सो फाइनली हमने न्यू ट्रांसफार्मर रिप्लेस की इससे ये स्विच ऑन कर दिया है। ये काफ़ी मतलब काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था हमारे लिए, क्योंकि ये इस ट्रांसफार्मर को हमें 40 ट्रांसफार्मर जो आप बाहर देख पा रहे हैं, चलिए बाहर ही ले चलते हैं आपको। पहले ये 40 ट्रांसफार्मर है जिसे हमने डिसमेंटल करके आउट किया है। ये 1500 KVA के ट्रांसफार्मर थे जिसकी वाइंडिंग टर्न टू टर्न शॉर्ट हो गई थी, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया कि पहले हमने इसका जो टैप चेंजर है उसको रिमूव कर दिया डिसमेंटल करके। वो देखो टैप चेंजर देख रहे हैं, वहाँ पे टैप चेंजर अलग करने से एक फ़ायदा हो गया कि इसकी जो विथ है, चौड़ाई है, वो कम हो गया और वेट भी कम हो गया। तो इसको हमने पार्शियल लोड जो है वो कम करके यहाँ से हमने टैप सारे खोल करके इस तरफ ट्रांसफार्मर थे और इस तरफ टैप चेंजर अलग करके पहले हमने इसे आउट कर दिया। फिर इसके ऊपर टॉप साइड में HV बॉक्स थे, मतलब जितने भी इसमें वेट थे उस वेट को हमने हटा दिए, सारे डोर निकाल दिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट इसका कम हो सके। टोटल वेट इसका करीब 6 टन वेट था। तो अप्रॉक्स हमने वो टैप चेंजर और कुछ ये हटा करके काफ़ी वेट रिड्यूस कर लिया। उसके बाद हमने इसे बाहर ले आया, बाहर ले करके क्रेन की मदद से यहाँ रख दिया, ठीक है। और अब आपको न्यू ट्रांसफार्मर की तरफ ले चलते हैं। वहाँ पे हमने ये जो इसके HV बॉक्स है, ये इसकी BBT है, बस बार ये पहले लगे हुए थे, बट जो हमारा न्यू ट्रांसफार्मर आया है इसकी डायमेंशन सेम नहीं है। वो जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर था उसकी हाइट ज़्यादा थी, इसकी हाइट कम है। तो बस बार जो है ना वो एक फिक्स मतलब लेंथ में ही काम करते हैं, तो हमारे पास ना टाइम नहीं था, इसलिए हमने बस बार ट्रंक की जगह पे ये केबल यूज़ की है, ठीक है ना। क्योंकि वो ट्रांसफार्मर से इस ट्रांसफार्मर की जो हाइट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अर्जेंट बेसिस पे 8 से 10 घंटे में मुझे इसको वापस पावर ऑन करने थे, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़े से सेफ्टी नॉर्म्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब फिनिशिंग को बाईपास किया गया, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि यहाँ पे जो डीजल जनरेटर है उसकी कंजम्पशन कॉस्ट, मतलब फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। सो हमें जल्दी से जल्दी इसको पावर ऑन करने थे। सो ये हमारे ट्रांसफार्मर के LTA जो कि अभी ओपन है, क्योंकि इसके जो इन्क्लोजर्स है वो बन रहे हैं, क्योंकि उस पर पाउडर कोटिंग वगैरह होती है, और वो आप LTA मतलब सेकेंडरी साइड की जो लोड वाले पैनल है उसको हमने टॉप एंट्री कर दी है अभी फिलहाल, और उसको अच्छे एक्रेलिक शीट से प्रॉपर उसको विदाउट ग्लैंड अभी हमने उसको कवर रखा है, ताकि हम इस ACB को ऑन कर दिया। इसे ये हमारा लोड साइड है, ACB को ऑन करते ही पावर चली गई और हम इनके जो फ्यूल कंजम्पशन थे, जो इनके डीजल जनरेटर्स चल रहे थे पिछले 8 घंटे पहले से, वो बंद हो गए, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है ये, जब तक वो ट्रांसफार्मर जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर है उसके बारे में अभी डिसाइड हो रहा है कि वो रिपेयर होगा और न्यू ट्रांसफार्मर आएगा, तब तक के लिए ये ट्रांसफार्मर एटलीस्ट ये स्टैंड बाई हो गया है। हम ये हमारा ST केबल है जो 11 KV है, वो लाइन हमने दे दिया। और सो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बट थैंक्स टू आवर टीम, थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू गाइस।